नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएम चर्चा के एक नए एपिसोड के अंदर। तो चलिए, जो भी आपके सवाल आए हैं हम उसका भी आंसर करेंगे। मंजीत सर से हमने जो सवाल है वो स्टार्ट करते हैं, और आज का जो पहला सवाल है वो ये है कि डिजिटल मार्केटिंग का कौन सा कोर्स करना चाहिए। देखो, डिजिटल मार्केटिंग में कोर्स करने की बात है तो डेफिनेटली वैसे तो सारे ही डिजिटल मार्केटिंग के जो कोर्सेज हैं, चाहे फिर आपका गूगल एड्स हो, एसईओ हो, वेब डिजाइनिंग वगैरह हो, तो सभी कोर्स जो है सोशल मीडिया हो, तो ऐसे में हर कोर्स अपने आप में एक यूनिक फीचर है, एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, एक यूनिक डोमेन है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारी प्लेलिस्ट बहुत सारे क्रिएटर्स ने बना के रखी हैं, तो आप अपना जो आपका जो इंटरेस्ट है वो एक बार सारी वीडियोस को जो है अलग अलग डोमेन की उनको चेक करके देख लें कि आपका इंटरेस्ट किस में बन रहा है। तो आपका जिसमें इंटरेस्ट बन रहा है वो डेफिनेटली आपको उसी कोर्स को करना चाहिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अदरवाइज आप दूसरे को मैं बोलूंगा कि गूगल एड्स कर लो, मैं बोलूंगा कि आप एसईओ कर लो, अगर आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है। और तो ऐसे में आप मेरे कहने से अगर ज्वाइन कर भी लेते हो तो आप कुछ समय काम करोगे, उसके बाद में फ्रस्ट्रेट होके फिर छोड़ दोगे। तो इसीलिए मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, पहले अपना इंटरेस्ट को फाइंड आउट करो, उसके अकॉर्डिंग जो है डिजिटल मार्केटिंग का जो भी कोर्स आप लेना चाहते हैं, जो भी डोमेन आप लेना चाहते हैं, उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। जी सर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि गूगल एड्स में लिमिटेड बजट आ रहा है, क्या करूं? देखो, गूगल एड्स जब कैंपेन्स हम रन करते हैं तो उसके अंदर जो है लिमिटेड बाय बजट का जो एक इंडिकेशन है वो डेफिनेटली बहुत सारी एड्स में आ जाता है, बहुत सारे कैंपेन्स के अंदर आ जाता है। इसका जो सॉल्यूशन की अगर बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे वर्बली बताना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन इसी हमारी डीएम चर्चा के जो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मैं आपको लिंक दे दूंगा। उस लिंक के अंदर मैंने प्रैक्टिकली ये गूगल का जो एड कैंपेन है उसके अंदर जो लिमिटेड बाय बजट आ जाता है उसको कैसे रिजॉल्व करना है, क्या है उसका सॉल्यूशन है, वो मैंने प्रैक्टिकल भी दिखाया हुआ है। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसका लिंक पे क्लिक करें और उस वीडियो को देख लें, प्रैक्टिकल किया हुआ है, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि इस तरह का जो एरर है उसको कैसे सॉल्यूशन किया जा सकता है। जी अगला सवाल है, मैंने वेब डिजाइनिंग का कोर्स किया है, अब समझ नहीं आ रहा है कि क्लाइंट कैसे मिलेंगे। वेब डिजाइनिंग का कोर्स अगर आपने कर लिया है और अभी ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे, तो इसके लिए अभी मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाई थी जिसका जहां पे मैंने बताया था कि गूगल का इस्तेमाल करके जो है आप किस तरीके से अपने क्लाइंट्स तक को फाइंड आउट कर सकते हैं और किस तरीके के क्लाइंट को जो है आप रीच आउट कर सकते हैं, तो वो आप वीडियो देख लें, उसका लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। तो बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है स्पेशली फॉर दी वेब डिजाइनिंग, तो आप जो है उस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि गूगल एक फ्री टूल है जहां से आपको जितना चाहिए जिस भी सिटी में चाहिए वहां का आप जो है ये पूरा डिटेल जो है वो ले सकते हैं। तो अगर आपको वाकई क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट, हाँ मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला, मेहनत करोगे तो क्लाइंट्स भी मिलेंगे। प्रोसेस कैसे मिलना है, क्लाइंट को ढूंढना कैसे है, वो प्रोसेस मैंने पूरा बताया हुआ है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, उस पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। जी सर, ये लास्ट क्वेश्चन है, गूगल सर्च कंसोल इंडेक्सिंग नहीं हो रही है, 404 एरर आ रहा है। गूगल सर्च कंसोल के अंदर जो है कई डिफरेंट डिफरेंट वैसे तो इश्यूज जो है आते हैं जब हम अपनी डोमेन को सबमिट करते हैं। सो बेसिकली इसमें एक एरर होता है 404 का। 404 कहने का मतलब है जो आपका क्रॉलर है गूगल का, वो आपकी वेबसाइट पे आपके डोमेन पे जब आता है तो वो आपके कुछ ऐसे यूआरएल्स हैं जो आपके साइट मैप में आपके डले नहीं है या वहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मिसमैच हो रहा है, तो उसको कैसे सॉल्यूशन करना है इसके ऊपर मैंने अपने अभी तक जो है वीडियो नहीं बनाई है। लेकिन डोंट वरी, अब आपने क्वेश्चन पूछा है तो मैं इसका नेक्स्ट जो हमारे चैनल पे वीडियो आने वाली है वो यही रहेगी कि अगर गूगल सर्च कंसोल के अंदर इंडेक्सिंग में इश्यूज आ रहे हैं, 404 का एरर आ रहा है, तो उसका सॉल्यूशन क्या करना चाहिए, कैसे सॉल्यूशन उसका कर सकते हैं, चाहे फिर वो आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट हो या फिर जो है आपने कहीं से भी कस्टम जो वेबसाइट्स होती हैं वो बनवाई रखी हो, तो उसको कैसे सॉल्यूशन जो है वो करना है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रैक्टिकल मिलने वाला है, तो इसलिए वीडियो को जो है जरूर देखिएगा। हाँ जी, सो गाइज, आई होप कि आज जो आप लोगों ने सवाल पूछे वो मैंने आप एड्रेस करे,
और आई होप कि ये हमारी जो डीएम चर्चा वाली जो पूरी एक सीरीज हमने स्टार्ट करी है वो आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो, और अगर आपके कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस है जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप जो है हमारे इस डिजिटल मंजीत के किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर अपना जो कमेंट है वो पूरा क्वेश्चन है उसको पूरा डिटेल के अंदर जो है लिख दें, सो दैट कि जब भी नेक्स्ट हम डीएम चर्चा लेंगे तो वहां पर आपके क्वेश्चंस को जो है हम यहां पे एड्रेस करेंगे। एंड आई होप कि जो क्वेश्चन पूछे गए थे मैंने उनका आपको सही जवाब दिया है। अगर कोई और डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलिए इस डीएम चर्चा के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई डीएम चर्चा के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।